कुछ भी कहने और सुनने से पहले कोरोना पर केंद्र सरकार की चेतावनी जरूर सुन लीजिए। जी हाँ, ये चेतावनी समूचे देश के लिए है, राज्यों के लिए है, महानगरों के लिए है, शहरों के लिए है, आम लोगों के लिए है, खास लोगों के लिए है। तो सुनिए, केंद्र सरकार ने कहा है कि भले ही मौजूदा हालात में केवल 5 से 10% एक्टिव केस में ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही हो, लेकिन जिस तरह से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वैसे ही हॉस्पिटलाइजेशन की स्थितियां भी बदल भी सकती हैं। इसलिए ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर सपोर्ट्स व हेल्थ केयर स्टाफ की उपलब्धता की समीक्षा करें, साथ ही कोविड केयर सेंटर्स को ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की तर्क पर विकसित करने की तैयारी भी रखें। इस चेतावनी की सलाह राज्य सरकारों के लिए है और आगाह देश के 140 करोड़ जनता को किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना ये नहीं देखता कौन आम है कौन खास है। और ये देखिए, मंगलवार को बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कोरोना हो गया, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को कोरोना हो गया। जैसे ही राजनाथ सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, राजनाथ सिंह ने फौरन ट्वीट कर कहा, मैं आज हल्के लक्षणों के साथ कोरोना पॉजिटिव पाया गया, मैं होम क्वारंटाइन में हूँ। मैं उन सभी से अनुरोध करता हूँ जो हाल ही में मेरे संपर्क में आए थे, वे खुद को आइसोलेट कर लें और अपना टेस्ट कराएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और वो होम क्वारंटाइन हो गए हैं। बीजेपी के यूपी प्रभारी और पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इन तीन नेताओं को कोरोना होना बीजेपी के लिए 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर नुकसानदायक हो सकता है। भले ही चुनाव आयोग ने रैलियों पर बैन लगाया हो, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन की प्लानिंग में इन तीन नेताओं की कमी बीजेपी को खल सकती है। अब राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, राधा मोहन सिंह मीटिंग में सिर्फ वर्चुअली ही शामिल हो सकते हैं।